मारीना संदेश लाइव। हम लोग प्रतिदिन अपनी टीमें भेजकर प्रत्येक गांव में जहां पर की तरह हमको लगता है कि बाहर लोग आए हुए हैं या लोगों द्वारा सूचना मिल रही है वहां पर टीमें जा रही हैं। प्रायोरिटी हमारी हो रही है कि जहां से हमको कंप्लेंट मिल रही है कि कोई भी कोई दिक्कत है इस तरफ जब हम जा रहे हैं और जो भी हम इन लोगों की थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं अभी तक किसी में भी इस तरह के कोई लक्षण नहीं मिल रहे हैं कि जिसको हम समझें कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो सकते हैं या कोई संदिग्ध के रूप में। जो लोग क्वारंटीन में रखे गए हैं उसमें भी हम प्रतिदिन जिनको कोई समस्या खांसी या सांस या बुखार या फिर मिल रहा है उनके भी सैंपलिंग करा रहे हैं या इस तरह की जो डायरेक्ट लोग मिल रहे हैं पकड़े जा रहे हैं इनकी भी हम सैंपलिंग उसके पास हो सकते हैं हम सबकी सैंपलिंग करा रहे हैं। इसमें इस क्रम में जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि पहले आइसोलेशन वार्ड में अलग अलग टाइम पर दो लोग भर्ती हुए थे उन दोनों लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। उसके बाद पुनः हमने क्वारंटाइन सेंटर जो है यहाँ पे लिटिल फ्लावर स्कूल में यहाँ से 15 सैंपल लिए थे वो सारे रिपोर्ट आ चुकी हैं निगेटिव हैं। जो उसके बाद फिर हमने अगले दिन पुनः जो भी हमारे संभावित हो सकते थे उसमें कुछ लोग दिल्ली के थे और कुछ लोग इसमें महाराष्ट्र से आए हुए थे जो वहाँ रखे गए हैं उनके भी हमने सैंपल कराए थे 9 और 9 की भी रिपोर्ट आज सुबह 22 अभी प्राप्त हुई है वो भी निगेटिव है। हाँ 9 की जो गई वो भी निगेटिव आ गई। अभी हमारे पास जो 5 लाइन में रिपोर्ट है जिसको हमारी सैंपल रिसीव हुए हैं कल के 4 रिसीव कराए गए हैं और आज सुबह पुनः 5 सैंपल दे गए। हाँ ये हमारी भी पेंडिंग रिपोर्ट जो कम्युनिटी लेवल पर हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए कि अभी भी सबको सैनिटाइज करने की जरूरत है कि जो लोग मिल रहे हैं या जो इस तरह के हैं कि जिनको ये संभावना है कि इनके घरों से निकल रहे हैं सभी को हमको उनके घर में जिसको कि होम क्वारंटाइन करते हैं उसमें रखने की आवश्यकता है या रहने की आवश्यकता है इसके लिए सभी लोग जागरूक हों जिससे कि ये स्थिति ना आवे कि अगर कभी कोई ऐसा पॉजिटिव केस आवे तो और लोगों तक स्प्रेड हो सके। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी तक कोई हमको पॉजिटिव केस नहीं मिला है। हैंड वॉशिंग पर भी जोर देने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि धीरे धीरे करके लोग इसको सुनते हैं और फिर उतना अमल अभी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें अभी हम कन्फर्म नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग की सब जिस तरह कर रहे हैं उस तरह की बहुत आवश्यक है कि हमेशा बने रहे क्योंकि जो भी लॉकडाउन है इसका उद्देश्य यही था। तो इस तरह से हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आगे बढ़ रहे हैं और कल इस पर हमने चर्चा नगर पालिका के सभासद और नगर पालिका के अध्यक्ष और साथी जिसमें नगर पंचायत के भी लोग सभी नगर पंचायत से भी लोग हमारे अध्यक्ष वहाँ ये लोग आए थे। इस चर्चा के पीछे उद्देश्य दो बिंदुओं का था। एक तो शहर की सफाई ब्लीचिंग छिड़काव आदि को लेकर दूसरा सोशल सर्वेलेंस की सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सभी लोग निगरानी में लगे और इसके लिए एक अलग से ग्रुप इन लोगों का हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और इनके माध्यम से भी समाज में निगरानी रखी क्योंकि वहाँ का सभासद है उसे काफ़ी लोग सभी लोग को जानता है सभी लोग उससे जुड़े हैं और एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है वो अपने साथ अपनी टीम बना ले लोगों को जागरूक करते रहे न केवल साफ सफाई से बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग होता है। हम कोरोना की जो सबसे बड़ी संवेदनशीलता है आदमी की सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यदि आदमी इसको निभा ले तो कोरोना से सुधर सकता है और दूसरे को भी प्रभावित नहीं करेगा दोनों रूप में।
से जो बात हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, तो एक राष्ट्रीय शिक्षा को मिलकर साथ ही साथ डॉक्टर नियाज आए कालीपुरा के और एक श्री काफी साल हैं जो 9 और 10 तारीख को निजामुद्दीन मरकज में वहाँ थे, 11 से 24 तक वो अहमदाबाद गए थे और 24 को याद हो गए थे वहाँ। क्योंकि जनता को भी जानना चाहिए इस चीज़ को कि वह आदमी अगर कहीं से बाहर आया है और किसी ऐसी जगह से जहाँ पे कोई संभावना है उसके बारे में जनता भी सूचना दे, अगर वो छुपाएगी तो वो खुद उसका शिकार बनेंगे। आप छुपा रहे किसी चीज़ को, अपने घर में रखे हुए, सबसे पहले जो घर में रखता हूँ सब आगे उस दायरे में, फिर आस पड़ोस निकल गया, आप आना जाना बात करना निसंदेह से आप अन्य लोग संपर्क में आ रहे हैं, कहने को कहें साहब अपने मोहल्ले में है, लेकिन मोहल्ले से अभिप्राय मोहल्ले से नहीं है, आइसोलेशन से अभिप्राय कि जो व्यक्ति बाहर गया वो अपने घर में एक कमरे अपने घर में रहे, और इस तरह की कोई भी सूचना तत्काल दें कि किसी ऐसी जगह से आया जैसे निजामुद्दीन ही वाली बात है, पहला आउटब्रेक वहाँ 12 को हुआ लेकिन वह वायरस तो वहाँ पे किसी के अंदर 8 तारीख को आया कि 5 तारीख को आया कि 9 तारीख को आया, तो वहाँ पे गए सभी लोग संदेही घरे आ जाते हैं, तो इसका गेस्टेशन पीरियड 5 दिन से 14 दिन का है। हो सकता है कि आप बचे हैं, आपके सामान में कहीं शेविंग जेल में किसी भी चीज़ में आपने पड़ा हो, और नंगी वाले स्थान में उसकी आयु काफ़ी लंबी हो जाती है, इन चीज़ों को देख करके जनता को भी जागरूक होकर के हम सबका साथ देने की हमको सूचित करें, तत्काल टीम जाएगी चेक कर लेगी देख लेगी और उनको जो भी उनको निगरानी करती है ठीक है। साथ ही साथ अभी तक जनपद में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है, यही जनपद वासियों का जो सहयोग है हमारी सामाजिक सरकारों से जुड़े हुए लोग हैं, जितनी हमारी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, स्वास्थ्य पुलिस प्रशासन की या हमारे ग्राम स्तरीय आंगनबाड़ी आशा एएनएम ग्राम प्रधान पंचायत सचिव लेखपाल एसडीएम सीओ बीडीओ सभी के एक सामूहिक पहल का यह परिणाम है। आपके माध्यम से एक बार फिर से अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए मैं उनसे बधाई देता हूँ, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आगे इसी ही जोश से इसी ही प्रकार से हम लोग आगे लगे रहेंगे और कहीं भी कोई सुविधा मिलेगी शीर्ष उस पर जो कार्रवाई होनी है उचित तत्काल उसको करें। जबकि अखबारों में दिया गया है कि इस तारीख को कौन के किस किस्म बदले जाएंगे, ये आम आदमी में कोई धैर्य नहीं है, प्रयास किया जा रहा है जहाँ जहाँ सूचना मिल रही है वहाँ वहाँ जा रही है लोग ठीक करें, लेकिन आप सबके माध्यम से एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों से कि कोई हड़बड़ी नहीं है, बैंक नियमित खुलेंगे नित्य खुलेंगे, राशन की कमी कहीं है नहीं, यदि कहीं कोई ऐसा परिवार है जिसके पास नहीं है कोई संकट है उसकी सूचना कंट्रोल पर दें, तत्काल हमारी भी कोई ना कोई टीम जाके उसे जब राशन खाना उपलब्ध कराएगी और लगातार टीमें लगातार हमारी भ्रमण कर रही है, तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सामाजिक संस्थाएँ हैं सभी लोग लगे हुए हैं और नियमित रूप से भारी संख्या में राशन का पैकेट का वितरण जनपद में हर कोने में हो रहा है, इसलिए कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है कि पैसा आज ही निकालना वाला जरूरी है, फिर है समय देने के बाद में जिस दिन आपका नंबर है अंक के अनुसार लास्ट उतनी ही प्रतीक्षा की है। सर कोरोना को लेकर के एक मुस्लिम समाज में भ्रम फैला हुआ है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जमात के नाम पर, तो इसकी सर सत्यता थोड़ा सा आप बता दें। सत्यता तो जो है आंकड़े में सामने है, जिस दिन ये मरकज के लोग
बात सामने आई और उसके बाद से जिस रफ्तार से सबसे ज्यादा मरकज के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए, नंबर एक, दूसरे जो उनके संपर्क में आए या वो जहाँ गए, इसमें कोई उन पर टारगेट करने की बात नहीं है, यह उनकी अज्ञानता है। दो तक उनको समझना चाहिए कोरोना चीज क्या है, इसके साथ कैसे व्यवहार करना है। यह एक भ्रांति उनके अंदर फैली हुई है, कहीं कहीं उनके अंदर वो तबका जो इसका इनके प्रकार जो भी फायदा लेना चाहते हो, लेकिन हर समझदार आदमी को आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल में कोई उठ पटांग खबर इधर उधर भेज लेते हैं, लेकिन गूगल में जाकर उसके बारे में सच्ची सूचना तो एकत्र कर लें, फिर उसका अपना आचरण अपना व्यवहार वैसे ही करें। अभी आप आज ही पाकिस्तान में आप देखी न्यूज आ रही थी, वहाँ के मरकज में 2.5 लाख लोग थे, स्थिति उस 2.5 लाख से क्या उनकी हो गई है, अब वो रो रहे हैं हमारे पास मास्क ही नहीं है। तो हम लोगों की तैयारी, अगर लॉकडाउन खुद ही लेकर तमाम निगेटिविटी क्रिएट हुई, अगर वो लॉकडाउन न होता तो क्या स्थिति होती, आप अंदाजा लगा लीजिए। आज जो आंकड़ा अभी हमारा 4,000 के आसपास है, निसंदेह अब तक हम लोग 25,000 के आसपास होते हैं। तो आदमी के अंदर धैर्य नहीं है, जानकारी नहीं है, उन्हें जानकारी लेना चाहता है, जबकि सारी सूचनाएं आपके हाथ में, आपके स्मार्टफोन में है, मात्र व्हाट्सएप फेसबुक इसकी खबर उसके पास, उसकी खबर इसके पास, और उसमें अपना कोई भी विवेक इस्तेमाल नहीं करता कि उसमें सच्चाई क्या, इसका परीक्षण जान गूगल में जाके उस विषय की सही जानकारी करके ले लें जिससे सही बात तुम लोग बता सकें। अखबारों में सही सूचनाएं छप रही, उसके कारण छप रहे, उसको कोई पढ़े गए 70% तो ग्राहक ऐसे हैं जो धूप में हमारा फोटो छपी हमारा नाम छपाएंगे। तो समाज को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, उनके विवेक, जब तक विवेक जागृत नहीं होगा तब तक कोरोना में विजय पाना भी मुश्किल। आज अमेरिका की हालत देख लीजिए, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक समुदाय के लोग हैं वो, पूरे यूरोप को देख लीजिए, पूरा वैज्ञानिक जीवन है, हम लोग तो बड़े अवैज्ञानिक अब तक माने जाते थे, जो बड़े गंदे माहौल में रहने वाले लोग, पिछड़े लोग हर पैमाने पे, लेकिन एक कोरोना ने सभी कलाई खोल दी कि असली विज्ञान क्या नदी। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।